के इस कार्यालय में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी सादगी में हार का कारण पार्टी के जो प्रमुख बड़े लीडर हैं वो चुनाव हरवा रहे थे। कोई भी ऐसे लीडर जो टिकट के दावेदार थे एक आध को छोड़ के कोई भी नेता साथ में नहीं आए, न साथ में घूमे, ना उन्होंने प्रचार करा और उल्टा खुल्लम खुल्ला अगर आप प्रचार नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन खुल्लम खुल्ला हराने लग गए थे। इवन उनके परिवार, उनका जितने भी लीडर थे, उनका गांव, उनका बूथ, उन सब में उन्होंने मेहनत करके एक तरह से जैसे वो बीजेपी के लोग हुआ उस तरीके से मेहनत करके चुनाव हराने का काम तो उन्होंने करा ही है। लेकिन उन लोगों ने क्यों हराया उसका मैंने एक कारण देखा कि बद्रीलाल जाट अगर यहाँ से चुनाव जीत जाएगा तो यहाँ हमेशा वापस यहीं से चुनाव लड़ेगा। उन लोगों का ये था कि यहाँ से इनको हरा के भेज देते इसको तो ये वापस आके यहाँ चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन उन लोगों को मैं कान खोल कर वो सुन ले, मैं तो उनको कह रहा हूँ अगर मैं चुनाव जीत जाता और परिश्रम के बाद में हो सकता कहीं दूसरी जगह चला जाता या कपासन से लड़ लेता, लेकिन जिन लोगों ने जिस उद्देश्य से मुझे चुनाव हरवाया उस उद्देश्य वो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मुझे आगे मेरी कर्मभूमि बड़ी सादड़ी ही रहने वाली और बड़ी सादड़ी ही रहेगी।